नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज राहुल गांधी रण में हुंकार भर रहे थे। देवभूमि के दंगल में पारा इस वक्त गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा एकाएक बढ़ रहा है। एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। पहले केजरीवाल काशीपुर पहुंचे थे एक नई गारंटी लेकर, उसके बाद राजनाथ सिंह आए और आज बारी थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी उसी मंच पर और उसी मैदान में सियासी पिच पर उतरे थे जहां कुछ रोज पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में हुंकार भर रहे थे। राहुल गांधी मंच पर थे और कांग्रेसी जोश से लबालब। उम्मीद थी कि राहुल गांधी मंच पर कांग्रेस के नजरिए से, उत्तराखंड कांग्रेस के नजरिए से कुछ ऐसा बयान देंगे, ऐसा संकेत देंगे, ऐसा संदेश देंगे जिसके जरिए उत्तराखंड कांग्रेस जीत की बुनियाद रखेगी। लेकिन भाजपाइयों को कहना है कि उम्मीद के मुताबिक राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं किया। अब राहुल गांधी आए उस पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। बीजेपी कह रही है ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है, क्योंकि राहुल जब जब आते हैं तब तब बीजेपी को फायदा होता है। वहीं आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी के बयानों पर कटाक्ष कर रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मंच के जरिए मोदी सरकार पर सियासी निशाने साधे। वो भले ही देहरादून में मौजूद थे, लेकिन निशाने पर मोदी सरकार थी। वार पलटवार का दौर भी चला और राहुल गांधी ने मंच से मोदी सरकार पर एक एक करके निशाने साधे, मगर मंच के पीछे सियासत के नजरिए से उत्तराखंड कांग्रेस क्या एकजुट हो पाएगी? क्या राजनीतिक शत्रप एक हो पाएंगे? हरीश रावत ने भी मंच संभाला और राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पड़े। प्रीतम सिंह ने भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात को रखा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी राहुल गांधी के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। मगर सवाल यही कि उत्तराखंड कांग्रेस को राहुल गांधी के इस दौरे से सियासी फायदा होगा? आइए जरा पहले आपको राहुल गांधी के बयान सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। यहां से लोगों का प्लान होता है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण है, कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। सेना और सरकार के बीच में जबरदस्त रिश्ता था। सरकार सेना की सुनती थी, सेना सरकार की सुनती थी, एक दूसरे का आदर करती थी, कम्युनिकेशन था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए पाकिस्तान को 13 दिन में हराया। तो राहुल गांधी निशाने पर निशाने साध रहे थे, राहुल गांधी वार पर वार कर रहे थे, लेकिन सवाल यही कि राहुल गांधी के इस दौरे से उत्तराखंड कांग्रेस को कुछ लाभ मिलेगा? सीधा रुख कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पवन चौहान जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। साथ ही साथ अरविंदर बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा चेहरे हैं। आपका भी अरविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, जब तक कांग्रेसी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की हुंकार सुनी आपने? कांग्रेसी कह रहे हैं आपकी बार हमारी बारी, राहुल गांधी ने हुंकार भरी है उसी परेड ग्राउंड से। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भयभीत हो गई भीड़ देख के।
प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी हमें खत्म करना चाहती है लाल पूरे उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से खत्म करना भयभीत कौन है आप देख लीजिए। राहुल गांधी आए, कोई नई बात नहीं बोली उन्होंने, उन्होंने के जो रट लगा रखा है उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जहर उगलना होता वो उन्होंने उगला है, और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं, उससे फायदा होता है, क्योंकि राहुल गांधी जी वास्तव में जो बात रखना चाहते हैं वो रख ही नहीं पाते हैं, वो तो वो रटते रटाई बातें करते हैं जो कोई जवाब नहीं है। उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की जनता राहुल गांधी की क्रियाकलापों से वाकिफ है, राहुल गांधी के क्रियाकलाप ही कांग्रेस का अंतिम सांस गिन रही है कांग्रेस, वो राहुल गांधी उसका कारण है, तो हमें भयभीत होने की कहां जरूरत पड़ गई, हम तो मस्त अच्छा। है और भारतीय जनता पार्टी बंपर चुनाव जीत अच्छा, रही तो है। यानी आप जो है चौहान साहब वो राहुल गांधी और कांग्रेस से भयभीत नहीं है, आप केजरीवाल से भयभीत है? नहीं, हम नहीं भयभीत है, आप कांग्रेस भयभीत है, आम आदमी पार्टी भाजपा तो ना आम आदमी पार्टी को ना कांग्रेस गिनती में नहीं रख रही है, लेकिन कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष का कल बयान था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को यहाँ भी खत्म करने आ गई है, जैसे दिल्ली में सफाया किया। हम कहाँ भयभीत है, कांग्रेस भयभीत है। तो यानी इसलिए आपको लगता है कि ओके यानी आपको भी लगता है कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी जो आप बात कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे ना, वो डरे हुए हैं, जैसे कांग्रेस वहां खत्म हुई है दिल्ली में वैसे यहाँ भी हो जाएगी अंतिम सांसें तो पूरे देश में, यहाँ बची खुची थोड़ी बहुत बची थी, वो कह रही हमारी सांसें आम आदमी पार्टी। अरविंदर बिश्ती, आपको कैसा लगा राहुल गांधी का भाषण? उसमें कुछ नया अपन नहीं था, सब आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे 2017 में राहुल गांधी ने आकर के जो बातें कही थी लगभग वही 2014 जो उन्होंने उस दिन भाषण दिया था, आज भी वैसे ही उन्होंने स्कूल से अपनी पढ़ाई की बात को शुरू किया और वैसे ही भावनात्मकता और उन्होंने उत्तराखंड के जो मुद्दे थे, जो उत्तराखंड के चुनावी मुद्दे हो सकते थे उन मुद्दों पर बहुत उन्होंने कोई पलायन तो उन्होंने भले ही किया, लेकिन पलायन को लेकर के जिस तरह सरकार पर आक्रमण किया जाना चाहिए उस तरीके का आक्रमण वो नहीं कर पाए, और उसके पीछे की मंशा ये भी है कि वो स्वयं जहाँ उनकी सरकारें हैं, आप देख लीजिएगा कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो पेट्रोल और डीजल है वो बहुत महंगा स्वयं उनकी सरकारें बेच रही है, तो वो हल्के तौर पर ही उन्होंने बातों को कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस राहुल गांधी ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये जिस तरीके का भाषण पिछली बार पहले मोदी देते थे इस बार ये देते हैं, तो जब और जब सत्ता में होते हैं तो इनकी परिपाटी एक जैसी हो जाती है। मुझको ये लगता है कि पहले उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के डबल इंजन की सरकार होती थी, एक समय बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, और दोनों ही सरकारों का जो आचरण है वो विपक्ष में बिल्कुल नहीं जैसा है, और जैसे ये दोनों दल सत्ता में आ जाते हैं तो बिल्कुल पलट जाते हैं। जो महंगाई ओके यानी आप ये कह रहे हैं जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। चौहान साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, चौहान साहब अपनी बात रखिए फिर बिजली आपके पास आ रहा है। देखिए मैं आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी तो कहीं कुछ गिनती में नहीं है, जबरदस्ती चुनाव तक जितना बोल ले जितना जैसा भाषा बोल ले, दिल्ली में इनकी स्थिति क्या है, हम लोग दिल्ली हमारे दूर थो दिल्ली में इनकी स्थिति क्या है, दिल्ली में स्कूलों के लिए झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली में अस्पतालों के लिए झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल जी सबसे बड़े खिलाड़ी है भ्रष्टाचार के, केजरीवाल जी हजारों करोड़ रुपया खा गए वो विज्ञापन छापने पर, ऐसे लोगों की क्या बात करूंगा मैं, क्योंकि इनका कोई भविष्य ना था ना है, और वर्तमान में ये कहां जी रहे हैं, कांग्रेस और ये आपस में लड़ते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात ये उत्तराखंड में हुआ ऐतिहासिक कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, दिल्ली में भी आप यही बात बोल रहे थे, दिल्ली में भी आप यही बात बोल रहे थे जी, दिल्ली में भी आप यही बात बोल रहे थे, कौन केजरीवाल कैसे केजरीवाल, कौन सा झाड़ू कब चलेगा झाड़ू? नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं, आप देख लेंगे थोड़े दिन में
वो दिल्ली में तो धोखा हो गया किसी तरह जनता के सामने। अच्छा, दिल्ली की जनता पे बकवास नहीं खाने वाली है और उत्तराखंड में दिल्ली की जनता बेवकूफ है, धोखा खा गई है कह रहा हूँ, बेवकूफ नहीं कह रहा हूँ मैं, धोखा खा गई। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे कि शायद दिल्ली की जनता बेवकूफ है। ओके अरविंदर मिश्री, जवाब दीजिए। देखिए तिलक भाई, जैसे ही मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का नाम लिया, वैसे ही भाजपा के बुद्धिजीवी और बहुत सम्मानित जो प्रवक्ता चौहान साहब बैठे हैं, उनके उनके रवैये में एकदम से कितना उग्र हो गए हो। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भले ही वो ये कह लें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी से उन्हें कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपने देखा कि जैसे मैंने थोड़ा सा कहा तो उनका रक्तचाप बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो सीधे लग गए कि आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आम आदमी पार्टी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो बार बार फिर इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते। नहीं, किस तरह की बयानबाजी करें, आपकी बात का समर्थन कर दूं? करिए ना बीच जी। नहीं नहीं, हमारी बात का समर्थन नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से, अरे आप पहले तो उनसे पूछ लो कि हमें क्या कहना है। आप उस प्रदेश में बैठे हैं बिष्ट जी, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, सेना का अपमान केजरीवाल ने किया है और केजरीवाल आपके नेता है। उस प्रदेश में बैठा हूँ जिस प्रदेश का बंटाधार आपकी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर, आपने वो सबको सवार दिया है, वहाँ छोड़ आए थे आप। मैं उस प्रदेश में जब वो उनको रोटी खाने का समय आया था तो उनको यूपी बॉर्डर में छोड़ आए थे, अस्पतालों को बीमार कर दिया। मैं उस प्रदेश में बैठा हूँ जहाँ मैंने देखे अस्पताल दिल्ली के, मैं कहीं नहीं, आपने आप यहाँ के अस्पताल देख लीजिए, अगर आपने यहाँ के अस्पताल देखे होते तो आप रो रहे होते, अगर सच्चे उत्तराखंडी होते उन अस्पतालों की दुर्दशा पर, उन स्कूलों विद्यालयों की दुर्दशा पर, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ सरकार चलानी है। आप लोग अहंकार में भूल जा रहे हैं कि हड़ताल पर केजरीवाल के घर के आगे बैठे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, शिक्षकों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, अभी चुनाव आने दे दीजिए, आपका अस्तित्व मिटा देंगे हम उत्तराखंड से। अस्तित्व मिटा देंगे, बहुत बड़े परिवार आ गए आप, ऐसा सोचते रहो दो महीने, दो महीने सोचिए दो महीने ऐसा कहने में क्या जा रहा है आपका, कुछ नहीं जा रहा है। अरे आप हाँ अभी आए थे सिसोदिया जी, लोग नहीं मिले हमको, सरकार है उत्तराखंड को पीछे धकेलने की जो सरकार है, झूठ फरेब की सरकार है उत्तराखंड को भ्रमित। अच्छा अरविंदर बिष्ट, एक काम कर सकते हैं ना, अरविंदर बिष्ट एक काम करते हैं ना, एक सेकंड, क्योंकि चौहान जी कह रहे हैं आपके नेता आते हैं, लोग ही नहीं जुटा पाते, आप लोग ही नहीं जुटाते, इसका मतलब यही है कि आप लोगों के साथ पब्लिक नहीं है, आवाम नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और पब्लिक कहां से आएगी। कर्नल साहब खुद अपनी सीट चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी सीट बचाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है ना, वो ये कह रहे हैं। तो एक काम करिए, एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए अरविंदर बिष्ट, आप यहाँ पर बैठकर चौहान साहब की एक रैली परेड ग्राउंड में मोदी जी की इन्होंने करवा दी, एक रैली आज राहुल गांधी ने करवा दी, मतलब राहुल गांधी की होगी रैली, कांग्रेस ने करवा, अब ये कह रहे कि ओके चौहान साहब एक सेकंड, मैं जान गया ना आपकी भावना को, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं वही भावना लेकर जा रहा हूँ आगे। ये कह रहे हैं कि अगर आप में इतना दम है तो इसी परेड ग्राउंड को फुल करके दिखा दीजिए आप, अगर आपको लगता है कि आपके नेता बहुत बड़े नेता है तो यही देहरादून का परेड ग्राउंड ही भर के दिखा दीजिए। चौहान साहब यही बोलना चाह रहे थे ना जी, बिल्कुल। हाँ बोलिए आप अरविंदर बिष्ट। हाँ तिलक भाई, आपको याद होगा कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो रैली हुई वो केजरीवाल जी की हुई, और आपको दर्शन लाल चौक से लेकर के और पूरे सचिवालय के गेट तक पूरी सड़कें भरी हुई थी और पूरा एक विशाल रोड शो हुआ, उसमें राहुल गांधी की रैली भी फीकी है और मोदी जी की रैली तो और ज्यादा फीकी थी, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि मोदी जी की रैली से अधिक लोग तो आज राहुल गांधी की रैली में वहाँ पर उपस्थित थे। तो हमारा ये केजरीवाल जी उत्तराखंड में आकर के अब तक तीन चार रैलियां कर चुके हैं, वो हरिद्वार में रैली कर चुके हैं। पवन जी चुनौती दे रहे हैं, कह रहे परेड ग्राउंड भर के दिखा दो, वो कह रहे परेड ग्राउंड भर के दिखा दो,
मोदी की रैली में पूरा परेड ग्राउंड भरा हुआ था। इनके इनके रैली को नहीं दिखाएंगे, जैसे हमारा कार्यक्रम लगेगा देहरादून में आदरणीय केजरीवाल जी का, और परेड ग्राउंड क्या पूरा देहरादून इनको कहिएगा दूरबीन, इनको लेकर के दूरबीन रखे मसूरी तक लोग भरे दिखेंगे, इनको विकास नगर और ऋषिकेश तक लोग भीड़ दिखेगी, इनको देहरादून तो भरेगा ही भरेगा। परेड ग्राउंड को छोड़ दीजिए चौहान साहब, अच्छा तो छोटी सी थी परेड ग्राउंड, हम छोटा सा कार्यक्रम यहाँ कर देंगे, परेड ग्राउंड तो हम कल सुबह भर दे। नहीं, आप ही सहारनपुर से लोग लेकर आएंगे क्या? मैं बोल देता हूँ चौहान साहब, चौहान साहब मैं समझ गया ये वो वाली बात होगी, छोड़िए, आप ही सहारनपुर से भर के लाएंगे क्या लोग, यही पूछना चाह रहे हैं चौहान साहब। बिश जी, चौहान साहब कह रहे हैं कि आप भी सहारनपुर से भर के लाओगे क्या, बिजनौर से भर के लाओगे क्या बसें? हमारे हमारे पास उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा में हमारे बूथ बन चुके हैं, बड़ी हमारी अच्छी टीमें बन चुकी हैं। मैं स्वयं धनोल्टी विधानसभा से आता हूँ, हमारे पास हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत टीम, बहुत हमारी बड़ी बड़ी टीम है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हम लोगों ने तैयार कर दिए हैं। और तिलक भाई, ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, आपने परसों काशीपुर की रैली को भी देखा होगा, आपने हल्द्वानी की रैली को, हरिद्वार की रैली को, और देहरादून में रोड शो, और रोड शो के अलावा एक अन्य कार्यक्रम, और तकरीबन चारों पांचों कार्यक्रमों में अथाह मतलब लोग जुटे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले बहुत तेज से उत्तराखंड की जनता ने हमको स्वीकार करना शुरू किया है, ईमानदारी से, इनकी तरह नहीं की पैसे से भीड़ इकट्ठी। मैं आज देख रहा था कि रेस कोर्स में गाड़ियां खड़ी थी, मैं मोदी जी की रैली में भी देख रहा था कि किस तरह से पैसे की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं हमारे हमारे रेस कोर्स में गाड़ियां खड़ी थी, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप अरविंदर बिश जी, ना रेस कोर्स में किसने गाड़ियां खड़ी की, किराए की गाड़ियां थी, आप ये कह रहे किराए के लोग थे राहुल गांधी की रैली, किराए की गाड़ियां, बिल्कुल मैं कह ही रहा हूँ, वो जो आप कह रहे हैं कि दूसरे पड़ोसी प्रदेश से सहारनपुर से यहाँ तो इनको आदमी मिले नहीं, वहां से इनको सहारनपुर से लोगों को लाना पड़ा, सहारनपुर नंबर की बसें वहां पर बहुत सारी जगहों पर खड़ी थी, तो इनके पास इनके ये चाहे आप तो नंबर भी नोट कर रहे थे बसों के, मुझे बता दीजिए मैं दिखा दूंगा। जी जी सर, आपको 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 अपने रिपोर्टर को आप नंबर नोट कर रहे थे? जी जी नहीं 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 मैं तो दिखा देता हूँ सर, मैंने तो यूपी में भी दिखाई थी, जो उत्तर प्रदेश की बसें जो है वो सड़कें नाप रही थी, और जो है जहाँ से उठा के लेकर आए थे मैंने सब दिखाया था। खैर छोड़िए उस बात को, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को लेकर आप लोग कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं आज की रैली से। आप कह रहे हैं कि रेस कोर्स में जो है बस से खड़ी थी सहारनपुर नंबर की, रेस कोर्स भी पहुंच गए आप, और रेस कोर्स क्यों पहुंचे वो मैं भी जानता हूँ। खैर छोड़िए उस बात को, लेकिन अमरजीत जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से। अमरजीत जी, मेरा ऑडियो आ रहा है? अमरजीत जी कैसी रही राहुल गांधी की रैली? जहाँ पर लोगों का इतना उत्साह दिखा, मैं तो आप जैसे पत्रकारों से मिला जो स्टेज पे थे, और उन सब का रैली कांग्रेस में अब तक नहीं हुई है, और इसे रैली को देख करके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत है ये आप समझ सकते हो। मैं आप अभी ज्वाइन कराऊं और दो चार शब्दों से इनकी बातों समझ चुका हूँ ये रैली पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कारण ये है कि इनको अब जमीन खिसकती नजर आ रही है। अमरजीत जी, आप तो खुद रेस कोर्स में रहते हैं, आप तो खुद रेस कोर्स में रहते हैं। अरविंदर बिष्ट कह रहे हैं रेस कोर्स में सहारनपुर की बसें खड़ी थी, ऐसा था क्या? एक एक व्यक्ति उत्तराखंडी था, अपने गांव सुदूर क्षेत्रों से आज देहरादून पहुंचा था माननीय राहुल गांधी जी को मिलने, देखने, उनके विचार जानने, और ये तो केवल इनकी चीज है, जो मन की चीज होती है ना, ये चीज निकाल रहे हैं ये कह करके कि रेस कोर्स में गाड़ी उत्तर प्रदेश खड़ी। सवाल उत्तर प्रदेश गाड़ी खड़े होने का नहीं है, मैं देता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों को सामने लाए जो उत्तराखंड के ना हो या किसी भारत राज्य के हों। एक एक व्यक्ति जो था वो हमारा उत्तराखंडी था, और वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर के इस आशा उम्मीद से आया। अरविंदर विश, जवाब दीजिए,
चौहान जी आ रहा हूँ आपके पास, बेसिक जवाब दीजिए। चावला जी, अमिंदर मिश्र मेरे अच्छे मित्रों में से एक अच्छे मित्र हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज वो इस प्रकार की लाइन क्यों ले रहे हैं। मैं जानता हूँ वो इन चीजों को बेहतर जानते हैं, कांग्रेस की कार्यशैली को भी जानते हैं, कांग्रेस में भी रहे, आज आम आदमी पार्टी में। मैं जानता हूँ, पुराने कांग्रेसी है अरविंदर जी। अरविंदर ना ना ना, मेरे को मत बताइए अमरजीत जी। अरविंदर बिष्ट ने रेस कोर्स का नाम क्यों लिया? इत्तफाक से आप इस चर्चा के भीतर शामिल हैं, और रेस कोर्स का नाम क्यों लिया वो मैं ये भी जानता हूँ। अब उस बात को छोड़िए, अब सुन लीजिए पीसी जी की बात। मैं ये भी कह रहा हूँ, नहीं रैली तो आज हुई, सफलतम रैली हमारी हुई, इससे पहले व्यवस्थाओं में भी मैं लगा रहा। अगर आप रेस कोर्स की बात कर रहे हो, तमाम उत्तराखंड से लोग आए हैं, उसमें बाहर की बस है या नहीं है, ये ओके, ये तो ना मैं फिर कर, ये ठीक है इनकी। आप ओके अरविंदर बिष्ट जवाब दीजिए, जो कहा उस पर बात कीजिए ना, बस कहाँ की थी, लोग कहाँ से आए, ये मैं ओके 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 अरविंदर बिष्ट जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अगर कोई तथ्य है तो यही डिबेट में रखो, हम बता देंगे कि ये सच है या झूठ है। कोई तथ्य है तो बताओ। देखिए तिलक जी, अभी भी अब क्योंकि हमारे बड़े भाई अमरजीत जी तो वही रहते भी है और मैं भी आस पास ही रहता हूँ, तो अभी हम दोनों घूमते घूमते वहाँ मिल जाएंगे और हम कुछ बसे अगर वहाँ अभी भी होगी तो अभी मिल सकती है हमको, है ना। खैर विषय ये था कि राहुल गांधी जी, अच्छा गांधी जी की जो विषय पर है ना, हम तो क्या विषय पर रहिए जी, विषय पर रहिए ना। वो कह रहे विषय पर रहो, राहुल गांधी ने क्या गलत बोला? हाँ क्या गलत बोला ये बताइए। आप जिन बातों पे विरोध करते हैं वो दर्ज कीजिए। असल में समस्या ये है कि आप मैंने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में, महंगाई के मुद्दे को जितनी गंभीरता से एड्रेस कर सकते थे राहुल गांधी जी, और सिर्फ पलायन शब्द का नाम लेने से पलायन की बात नहीं हो जाती। आप वीडियो सुनिए, आप उनका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, हर चैनल पे उपलब्ध है। उन्होंने पलायन की बात करी, उन्होंने महंगाई की बात करी, उत्तराखंड की बात करी। नहीं ना, वही तो कह रहा हूं, अगर आज 16 सितंबर है तो उन्होंने भारत की भूमि से निकलकर विजय की बात की है, और राजस्थान में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा क्यों है? अगर महंगाई को लेकर के वास्तव में इतने गंभीर है तो उनके राज्यों में जो जो वस्तुएं महंगी हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ सबसे महंगे क्यों है? पहली बात तो अमरजीत भाई मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैंने राहुल गांधी जी का मैं एक बात जानना, एक सेकंड अमरजीत जी, अरविंदर जी एक सेकंड मैं पवन चौहान जी से मैंने स्टार्टिंग कमेंट किया था। अमरजीत जी, पवन जी पता क्या कह रहे थे? पवन जी कह रहे थे कि कांग्रेस को थैंक यू बोलेगा मेरी तरफ से। पवन जी कह रहे थे कांग्रेस को थैंक यू इसलिए बोलेगा कि जब जब राहुल गांधी आते हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए बीजेपी राहुल गांधी को थैंक यू बोलती है। ना ना, इनका जो थैंक यू तो हमें स्वीकार है, लेकिन ये थैंक यू नहीं है, ये इनके माथे पे जो ये चूड़ियां चढ़ी है ना, ये चिंता की चूड़ियां हैं, ये इनको चिंता हो गई राहुल गांधी के यहाँ जाने से। जिस प्रकार से आज की रैली ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेज उत्तराखंड, हमारे राष्ट्रीय जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी नहीं, पूर्व अध्यक्ष की रैली ने प्रधानमंत्री की रैली को पूरी तरह से फेल कर दिया। ये थैंक यू इस बात का बोल रहे हैं, इनको बोलना चाहिए, इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जिस मकसद से उत्तराखंड आए थे प्रधानमंत्री मोदी, केवल और केवल जुमलों के प्रसाद करके गए, वो उत्तराखंड की उपलब्धियां नहीं बता के गए पांच साल में क्या करना है। इससे पहले अमित शाह आए, ओके पवन चौहान जवाब दीजिए, खट्टे इन्होंने खोदे हैं, जो पवन चौहान जवाब देंगे, अमरजीत भाई, अमरजीत भाई अब थोड़ी देर चुप हो जाइए, ओके अमरजीत जी जवाब लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले तो ये बता दूं कि वो रैली पूरे उत्तराखंड की थी, आप लोगों ने जितना जो ताकत फितरी आपने लगाई लेकिन उसका कोई भला कर नहीं पाए, और राहुल गांधी तो पूरे देश में है ना, उत्तराखंड के लिए बने हैं क्या? पूरे देश में है, पूरे देश में राहुल गांधी ने ही इस कांग्रेस का अंतिम साक्ष्य जो गिन रही है कांग्रेस। आप चुप रहिए अमरजीत भाई, हम बोले नहीं थे, अमरजीत भाई सुनना भी सीखे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस अंतिम सांसों में गिन रही है। राहुल गांधी आकर के भी बहुत बढ़िया बात नहीं कर गए, पांच साल पहले आपकी सरकार थी तो पलायन आपने रोक दिया था, हमने पलायन शुरू करवा दिया,
सारी जनता देख रही है, आपके मिनिस्टरों के कारनामे देख रही है, आपके चीफ मिनिस्टर के कारनामे देख रही है, एक एक व्यक्ति आप लोगों के बारे में जानता है। कांग्रेस की सच्चाई जनता, एक एक जनता का व्यक्ति आखिरी छोर में बैठा कांग्रेस को जान चुका है। आप अपने घर में जाइए, बिस्तर बांधिए, सो जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये राहुल राहुल करके, राहुल राहुल करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी इस कांग्रेस को, राहुल गांधी इस कांग्रेस को ले जाएंगे वहाँ। अरे हमने बहुत कुछ किया था अमरजीत भाई, हम कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया डबल इंजन की सरकार में। आप मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए कांग्रेस सरकार। देखिए सवाल समस्या ये है कि सरकार आपकी रही, सवाल आप कांग्रेस से पूछ रहे हो, आपको जनता को जवाब देना चाहिए था। नहीं, मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कांग्रेस के काले कारनामे बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहा। अरे अमरजीत भाई सुन भी लो, अरे सुन भी लो महाराज, अमरजीत बाबू, अरे सुन, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सरकार थी, खंडूड़ी साहब ने तय किया था लोकायुक्त बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया दिया आपकी सरकार ने? आज आप 24 घंटे में लोकायुक्त बना रहे हैं। आपकी सरकार थी जो ये कह रहे थे कि मैं मुंह फेर लूंगा, लूट बचा लेना, ये आपकी सरकार थी। सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले मुख्यमंत्री आपके थे। आप भी तो राज्यपाल जी के पास फाइल रखी हुई आज तक, वहीं तो संस्तुति नहीं हुई आज तक। तो राज्यपाल तो आपके पास थे ना? एक सेकंड अमरजीत जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड पवन जी, आप चाहते हैं कि खंडूरी जी का सपना कांग्रेसी पूरा करें? छोड़िए, अब लोकायुक्त के विषय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे, नहीं सर, मांग ये नहीं कर रहे, मांग उत्तराखंड ही कर रहे थे साहब। 2012 में खंडूरी जी ने बताया था कि उत्तराखंड की मांग है, उत्तराखंड की जरूरत है, ये मेरा सपना है। आप उनका सपना पूरा नहीं कर पाए वो बात अलग है, और उनके शिष्य भी वो सपना नहीं पूरा कर पाए। ओके, वो हम करेंगे, आप छोड़िए उस बात को, लोकायुक्त का विषय छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। पवन जी मालूम है, आप पहले त्रिवेंद्र जी से पूछ लीजिए, जिनको कुर्सी से हटाया गया उनको मालूम है, वो कहते थे लोकायुक्त इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं, तो लोकायुक्त की क्या जरूरत। एक सेकंड हाँ, मैं बता रहा हूँ ना उन्होंने क्या कहा। मैंने छह बार सवाल पूछा उनसे, लोकायुक्त लाएंगे तो उनका यही जवाब था, हम भ्रष्टाचार करते ही नहीं है तो लोकायुक्त क्यों लाएं? वो कहते थे हम भ्रष्टाचार करते नहीं है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो लोकायुक्त क्यों लाएं? तो लोकायुक्त मत लाइए, तो लोकायुक्त की जरूरत नहीं है ना आपको, तो छोड़ दीजिए उस विषय को। ओके, एक सेकंड अमरजीत जी, राहुल गांधी क्या एकजुटता का मंत्र दे पाए आपको? एकजुटता का बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं। उत्तराखंड में एकजुटता का, देश को बचाने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम एकजुटता से ही देश बचा पाएंगे, और आज बात रही उत्तराखंड की बात, तो एकजुटता से हम लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मूंग खानी पड़ेगी आने वाले, आप देखिए 2022 छत्तीसगढ़ में आपका झगड़ा, पंजाब में आपका झगड़ा, राजस्थान में आपका झगड़ा, आप कहां एकजुटता ला रहे हैं? मुझे बता दीजिए, राजस्थान में बुरा हाल, पंजाब में बुरा हाल, आपके राज्यों के एक्सीम राज्यों छोड़ कर चले गए, कांग्रेस छोड़ कर आपके नेता जा रहे हैं, आप क्या एकता लाएंगे? आपने तो एकता लाने का सूत्र तो छोड़ दिया, अच्छे नेताओं को पूछते नहीं है, राहुल गांधी को आप अपना समझ रहे हैं, अपने राज्यों की भी हालत बता दीजिए, कौन से राज्य की हालत है बताइए, मुझे मध्य प्रदेश में बता दीजिए क्या हालत है, किस प्रकार से शिवराज जी के साथ झगड़े हो रहे हैं, या योगी जी को उतारने के लिए जो 600 लोग टीम, अरे वो हमारी आदमी एकता के साथ खड़े हैं, सब योगी जी के साथ खड़े हैं, मोदी और सब धामी जी के साथ खड़े हैं, सरकार पुनः बने। एक सेकंड पवन जी एक सेकंड, अमरजीत जी एक सेकंड, मैं विषय इसलिए लेकर आया एकजुटता का, क्योंकि उम्मीद थी कि एकजुटता का मंत्र जो है मंच से राहुल जी देंगे, लेकिन फिर भी मंच के पीछे तो कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सब कुछ ऑल इज वेल है कि नहीं, आप समझे, सब लोग आपको मंच पे दिखे, किशोर उपाध्याय हो, प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस मंच पे नहीं मौजूद था? सभी लोग एक साथ मंच पे मौजूद थे। अच्छा, अभी फिलहाल ये तीन गुट हैं। होना अपने आप में एक संदेश देता है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, तो क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, यानी तीन गुट है। ओके, आपने तीन नाम लिए। मैंने तीन गुटों का नाम नहीं लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे शब्दों को
अब ऐसा ना करें कि अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालें आप। मैंने कहा एकजुटता का परिचय दिया है, लोग जो कहते हैं कैसी एकजुटता है बताइए तो, कह देता है अरे सिंह गुट कह देता है, दूसरा आदमी विरोध करता है नहीं है। सवाल सभी एक मंच पे थे, एक सुर से मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में आने वाले समय में कांग्रेस सरकार कैसे बने, उस पर बात हो रही थी। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड गर्त में डालने का काम किया है। आप दस वही दस बारह में अटकना, आपने वही अटके रहोगे, अटके रहेंगे। मुझे बताइए ना आप दस बारह में अटक, आप मुझे बताइए दस बारह भारतीय जनता पार्टी क्या उपलब्धियां रही। हमने बता दिया साठ पार का नारा, साहब अरजीत जी साठ पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि हम वास्तव में साठ पार होने जा रहे हैं। और दस बारह, अच्छा दस बारह आपने उनको दे दी, और अरविंदर जी को कितने दे रहे हैं? नहीं नहीं, अरविंदर जी को कितने दे रहे हैं? ये तो खेल, अमरिंदर जी को दे रहा हूँ मैं, अमरिंदर जी को दे रहा हूँ दस बारह। अच्छा खेलने आए, अच्छा ना 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 खेलने आए हैं तो ये आपकी पिच पर खेल रहे हैं क्या, आपके लिए खेलने आया क्या? केजरीवाल जी तो खेलने ही आते हैं ना, क्योंकि वहाँ दिल्ली में तो कुछ कर नहीं पा रहे। इधर आगे बोलता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की टीम है। अभी पवन जी कह रहे थे वो आपकी भी टीम है, और किसान हमारी भी टीम है। किसानों के आंदोलन में तुम सारे इकट्ठे, किसानों की टीम, किसान आंदोलन सारे, किसानों को किसानों की आड़ में रोटियां सीखने सारे इकट्ठे हो जाओगे, बंगाल में सारे इकट्ठे हो जाओगे, उत्तर प्रदेश में सभी इकट्ठे हो जाओगे, यहाँ हमारी बीटी मंडल। उत्तराखंड पर आइए ना, उत्तराखंड पर आइए। अरविंदर मिश्र जी, बड़ी मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये बार बार आप पे तोहमत लगाते हैं। एक सेकंड, पवन जी बार बार तोहमत लगाते हैं, अमरजीत जी आप पे तोहमत लगाते हैं कि आप लोग इनकी बी टीम है, वो कहते हैं इनकी बी टीम है। अब ये समझ में नहीं आता आप किसकी बी टीम है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने 10 सीटें इसलिए की क्योंकि हम 60 पार का नारा दे रहे हैं, वो तो आपको जीरो दे रहे हैं, जीरो। वो कह रहे हैं कि इनके बस की कुछ ना है, केजरीवाल जी सिर्फ खेलने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है कि हम उनके विपक्ष जो पार्टियां हैं हम उनकी भी टीम है। असली बात यह है कि हम जनता की टीम है और हम जनता के लिए खेलते हैं। और असल में कांग्रेस और बीजेपी, जैसा इस चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा कि आप राहुल गांधी जी और मोदी जी इनका भाषण उठा लीजिए, जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनका एक जैसा भाषण होता है, और जब सत्ता में आते हैं तो एक जैसा इनका काम करने का रवैया रहता है। तो हम लोग जनता की तरफ से खेल रहे हैं, ये अपने अपने दलों की तरफ से खेल रहे हैं, हम जनता की टीम है, हम जनता के लिए खेल रहे हैं। और देखिए पवन जी ने आपके सामने चुनौती दी, अमरजीत जी से बुलवा लूं, अमरजीत जी से बुलवा लूं, वो ये कह रहे हैं कि आप परेड ग्राउंड में करवा लीजिए केजरीवाल की रैली। नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि केजरीवाल इनकी रैली से बड़ी रैली तो कांग्रेस ने कर दी जो कहीं भी नहीं है, और इनसे बड़ी रैली तो आज राहुल गांधी जी की रैली हो गई। और हमारी जो रैली थी सबसे पहले शुरुआत रोड शो के माध्यम से हमने ही किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी की रैली फ्लॉप शो थी, पवन जी कह रहे हैं फ्लॉप शो थी। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, अरविंदर जी एक बात बताइए। अब देखिए केजरीवाल जी आते हैं रोज, कोई ना कोई नई गारंटी दे जाते हैं ना। अब मैं उनकी एक गारंटी का अध्ययन कर रहा था, आपने इस बार गारंटी दी कि हम आएंगे सत्ता में तो 6 नए जिले बनाएंगे, सही सर? 6 नए जिले कहा था आपने, एक एक जिला बनाने के लिए कितनी रकम चाहिए आपको मालूम है? एक जिला नहीं, निश्चित तौर पर कोई जिला बनाना है, कोई ब्लॉक ब्लॉक का कोई गठन होना है, चलो यहाँ पर जिले की बात है, तो कोई जिले को बनाने के लिए वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। अरविंदर जी मैं वही बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 नए जिलों का ऐलान किया था, वो 4 नए जिले आज तक नहीं बन पाए। हरीश रावत जी ने कहा मैं 9 नए जिले बनाऊंगा, आज तक एक नया जिला नहीं बन पाया। 21 साल पहले 13 नए जिले थे, वो आज भी 13 नए जिले हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम नए जिले बनाएंगे तो एक जिला बनाने के लिए कितनी रकम चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने जिलों की संख्या और जिलों को बनाने की घोषणा की, और घोषणा करने के बावजूद भी वो नहीं बना पाए, तो जब दोनों पर से अविश्वास उठ रहा है। पवन जी एक सेकंड, पवन जी प्लीज, पवन जी
पवन जी एक सेकंड, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ ना, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैंने इस सवाल क्यों पूछा, इसका एक आधार है। अरविंदर जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक जिला बनाने के लिए कितना बजट चाहिए होता है। जब हम कोई जिला बनाते हैं उसके लिए हमको क्या क्या आवश्यक संसाधन चाहिए, वहाँ पर क्या क्या हमको जुटाना है। अब ये कोई यूनिवर्सल अच्छा नहीं, कोई एक निश्चित रकम चाहिए होगी अलग अलग। सर जो पुनर्गठन आयोग है ना, उस आयोग में कितनी आपत्तियां पड़ी हैं और कितनी मांग पड़ी है उसका भी हिसाब दे दीजिए आप। फिर ये भी बता दीजिए कि कहाँ कहाँ जिला बनाने की आप लोग वकालत कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह पर आप जिला बनाना चाह रहे हैं नया जिला, ये भी बता दीजिए, और क्यों बनाना चाह रहे हैं ये भी बता दीजिए। तो केजरीवाल जी ने आकर के कह ही दिया कि कहां कहां पर वो जिले बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा सारा बताया है कि वो कहां कहां बनाए। सर कोई अध्ययन तो किया होगा ना आपने, एक सेकंड, कोई विजन तो होगा ना आपका, कोई आधार तो होगा सर, या फिर आप जो केजरीवाल जी को लिख कर देते हैं वो वही पढ़ देते हैं। नहीं, आधार का सिंपल बात है, क्योंकि जो जिला जैसे हमारे लिए छोटे राज्य की स्थापना इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर आम आदमी राजधानी तक पहुँच सके, तो ऐसे ही जो बड़े जिले हैं उन जिलों को छोटा करने के लिए। अरविंदर जी आप वही बातें बोल रहे हैं जो मैंने कभी कांग्रेस के मुंह से सुनी है विपक्ष में रहते हुए, कभी बीजेपी की जुबान सुनी है, और कभी उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की जुबान सुनी है मैंने। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो सपने दिखा रहे हैं उसको हकीकत में तब्दील करने का आपके पास विजन क्या है। आपके खुद चेहरे जो है वो अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी प्रदेश तो पूरा छोड़ दीजिए। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि आपके पास विजन क्या है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरी पार्टियों के लिए भी टीम बन के कैंप खेल रहे हैं। कोई अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और जनता को जो बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 21 सालों में जो पीछे धकेला है विकास में उत्तराखंड को, और जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंदर जी आप इसको ओके मैं समझ गया अमरजीत जी, हम अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अमरजीत जी सुना आपने क्या कह रहे हैं अरविंदर जी? वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए, आप लोग आपस में लड़ते रहिए। आप इनसे पूछिए कि ये 1,000 रुपया महिलाओं कैसे देंगे, जिले कैसे बनाएंगे, रोजगार की गारंटी के नाम पर जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, केवल और केवल फर्जी झूठे जुमले। ये सब सीखा हुआ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, ये जुमलों से सरकार बनानी है। इन्होंने क्या दिल्ली में जुमले कसे थे, कितने जुमले इन्होंने पूरे किए? अभी ये बात चल रही थी लोकायुक्त की, तो ये दिल्ली में भी बात करते थे लोकायुक्त लोकपाल की बात करते थे, कहाँ आया लोकायुक्त? लड़ाई किस लड़ाई लड़के आए थे, ये लोकायुक्त और लोकपाल की लड़ाई लड़के आए थे। आज इनसे पूछिए कहाँ है लोकायुक्त, कहाँ है लोकपाल? आज तो केजरीवाल जी नाम ही नहीं लेते लोकपाल का। कभी आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिए, अमरिंदर जी कभी आपने सुना हो केजरीवाल जी के मुंह से तो मुझे वो लिंक भेज दीजिए, मैं भी सुनना चाहूंगा कि कब उन्होंने लोकपाल लोकायुक्त की बात करी। कुल मिलाकर के आपने जो है ना कांग्रेस का वो एक सोशल क्या कहते हैं ये मैनिफेस्टो चुरा लिया, कई युवाओं के रोजगार की गारंटी की बात आपने वहां चुरा ली, महिलाओं को अगर 1,000 रुपए देने की बात करी वहां चुरा ली। आपसे पूछा गया कि 1,000 रुपए लाओगे और दोगे कहां से, आपने कहा साहब उत्तराखंड का 57,000 करोड़ का तो बजट है, उसमें से 10-20% जो है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है, हम उस भ्रष्टाचार को रोकेंगे, उस भ्रष्टाचार से हम जाके महिलाओं को पैसे बांटेंगे। आपके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल और केवल मंचों से खड़े हों और जो मुंह में आए उसे बोल दीजिए, जो मुंह में आए बोल दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरह जुमलों की तरह पूरे करेंगे जब करेंगे। आपको पता है यही सवाल हम जनता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछते हैं, कहां गए हमारे? ओके अरविंदर जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद पवन जी आपके पास आ रहा हूं। आप समझिए ना, आप तो प्रधानमंत्री अरविंदर विष्ट अमरजीत भाई ने जो सवाल उठाए, देखो एक उन्होंने सवाल उठाया कि केजरीवाल जी लोकपाल की बात करते थे, लोकपाल कहां है? और लोकपाल गवर्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, लोकपाल लेफ्टिनेंट जनरल के यहाँ पड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप वो कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस के मुद्दे चुरा लिए, तो यदि वो कांग्रेस के मुद्दे हैं मान लिया जाए, हम इन्हीं की बात पर भरोसा कर लेते हैं, अमरजीत भाई ने जैसा कहा, अगर वो कांग्रेस के मुद्दे हमने चुराए तो फिर खराब कैसे हो गए? इसका मतलब कांग्रेस के मुद्दे खराब थे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपका दृष्टिपथ है, आप दूरदृष्टि कहाँ है, मैं तो ये सवाल तो मेरा ये गारंटियां दी जा रही है। नहीं मैं तो कह ही रहा हूँ आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए दूरदृष्टि
आप उत्तराखंड के बारे में केजरीवाल जी जानते ही कुछ नहीं। 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल जी ने और हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है और उसको लेकर के उन्होंने पूरा कहा है, पूरा बताया है कि कितना। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके पवन जी, पवन जी एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड पवन जी, एक सेकेंड अमरजीत जी, एक सेकेंड अरमिंदर जी, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड। ओके ओके सर, आप सबको गारंटी दे रहे हैं पकड़ पकड़ के लोगों को रोजगार देंगे। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या वो है वो 475,809 के आसपास है, है ना पवन जी? ये क्या रोजगार देंगे? तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, उन्होंने रोजगार नहीं दिए, आप क्या रोजगार देंगे? आपको, आपके पास कोई विजन ही नहीं है। तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, आप रोजगार दे देंगे? पवन जी ये समझा रहा हूं मैं इनको, छोड़िए उस बात को। पवन जी मुझे लग रहा है कि आप राहुल गांधी की आज रैली से काफी चिंतित हो गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है पवन जी। आपको सच्चाई बता दूं, जनता, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लेती ही नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, अच्छा हाँ लेती है तब तो प्रधानमंत्री है, लेती है तब तो प्रधानमंत्री है। अरे अमरजीत भाई मैं बीच में बोला, अरे आप, आपको दर्द क्यों होता है? आप बोले तो मैं बोला बीच में, अरे सुन तो लीजिए। चावला साहब इनको चुप तो करिए, चावला साहब इनको दर्द क्यों होता है भाई, इतना दर्द? अरे सुन तो लो महाराज, अरे मेरे वीर जी, वीर जी सुनिए गल, अरे सुन तो लीजिए महाराज। देश के, इस देश में एक तरफा चुनाव जीतने वाले हैं नरेंद्र मोदी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं। आप उन पर टिप्पणियां, राहुल गांधी की पूरी टीम उन पर टिप्पणी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। दूसरी बात, अरे तो आप मत सुनिए ना, मैं तो देश की जनता, अरे तो बगैर सुने प्रधानमंत्री बनो, बगैर सुने प्रधानमंत्री नहीं बने महाराज। अमरजीत बाबू बगैर सुने प्रधानमंत्री नहीं बने, वो जनता ने वोट दिया तब बने थे, एक चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, आपका अमेठी, आपके नेताजी चुनाव हार गए, आपके नेताजी जिनकी बात करें वो चुनाव हार गए। एक छोटी सी महिला ने, एक एक महिला ने उनको चुनाव हरा दिया, जो तुम्हारी, जो आप लोगों की परंपरागत सीट थी, जिसको आपने उस सीटों में कभी काम नहीं किया, आपने इस देश का बहुत नुकसान किया। आप भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमात है। सुन लीजिए मेरी बात, आपका मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री की आप बार बार बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाला मुख्यमंत्री है। पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, एक सेकंड अमरजीत जी, एक सेकंड पवन जी, पवन जी, पवन जी प्लीज एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड पवन जी, लड़ना नहीं है। आप इतने, आपको, आपको राहुल गांधी से दिक्कत है, आपको हरीश रावत से दिक्कत है, एक सेकंड, हरीश रावत से आपको दिक्कत है, आप बार बार ये कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि हरीश रावत चुनावी चेहरा होंगे, हरीश रावत चुनावी चेहरा होंगे तब हमें फायदा होगा, राहुल गांधी रैली करेंगे तब हमें फायदा होगा। हरीश रावत चुनाव हार गए इतनी बार, उनके नाम रिकॉर्ड है। आप ओके, मैं पूछ लेता हूं अमरजीत जी, आज कंफ्यूजन क्लियर हुई कि आपका चेहरा कौन है? पूछ लेता हूं पवन जी, पूछ रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं, आप न, हमारे पत्रकार बंधु खूब फिर इस बात पे चले आते हैं कि चेहरा कौन। अरे हमारा, हमारा पूरा नेतृत्व ही हमारा चेहरा है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां त्रस्त है लोग, लो जनता उस, उन, उनसे उभारने के लिए कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी, समय आने पर तय हो बनेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है, ना ही ऐसा पहले कभी हुआ, और ना 2012 में हुआ, ना 2007 में हुआ, ना 2002 में हुआ। समय आने पे विधायक मंडल दल ने अपना नेता चुना, नहीं नहीं 2017 में हुआ था ना, नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं अरमिंदर, अमरजीत जी, अमरजीत जी, अमरजीत जी आप भूल जाते हैं। पीके से पूछिए, पीके ने बताया था कि उत्तराखंड में 2017 में कौन चेहरा है। खैर वो अलग विषय हो सकता है। अब मैं तो नहीं, नहीं, आप नाराज मत होइएगा सर, तो पहले बहुत कुछ आप पीके आकर बहुत कुछ कहता है। पीके, पीके की, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता।
आज आज बहुत बुरे लग रहे हैं सर, वो उस समय की बात कर रहा था 2017। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, समय परिस्थितियां। अच्छा अच्छा, तब पीके ने आज छोड़िए ना पवन जी, पवन जी मैं ये कह रहा हूँ अमरजीत जी, मेरी बात, आप नाराज हो रहे हैं सवाल को लेकर, मेरा एक सवाल पूछने का ये भाव था, इसके पीछे वजह मैं बताता हूँ। हाँ 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 मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे वजह ये है कि देखिए आप बीजेपी, चौहान जी अपना मुख्यमंत्री, अच्छा पवन जी ओके, एक एक कहता है कि धामी होंगे, दूसरा आपका प्रभारी कहता है कि नहीं होंगे, आप खुद तय कर लीजिए पहले, और किस पर जो धामी हमारा नेतृत्व कर रहा है, उस पर जो धामी कौन सा मुख्यमंत्री बन रहा है, हम बता रहे हैं आपको जो है मुख्यमंत्री, आप लोग भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल रहते हो बस। अरे तो साहब भ्रष्टाचार किया था कितनों पे कार्रवाई की, ये तो बता दीजिए चौहान जी, अरे भागने वाले, कभी इधर पलटी कभी इधर पलटी, कहाँ बचेंगे कैसे बचेंगे, और बचने वाले नहीं है, आपके राष्ट्रीय नेताओं पर मुकदमे, जमानत पर है आपके राष्ट्रीय नेता, जितने भ्रष्ट आपके पंजाब की, आपकी पंजाब की स्थिति देख लीजिए क्या है, विधायक आपके स्वयं के लोग, आपकी राजस्थान की स्थिति देख लीजिए क्या। पवन जी एक सेकंड, पवन जी नहीं नहीं पवन जी एक सेकंड प्लीज, अमरजीत जी मैं सवाल इसलिए पूछता था, इसके पीछे का एक भाव ये है, भाव ये है देखिए, पहले उत्तराखंड में 3G हुआ करती, 3G वो चलता था 3G नेटवर्क, कैसे वो 3G मैं बताता हूँ, एक होते थे कोश्यारी जी, खंडूरी जी, निशंक जी, वो 3G थी, अब बीजेपी के पास 6G हो गई, 6G नहीं 7G हो गई, कैसे हो गई 6G और 7G, अब हो गए खंडूरी जी, निशंक जी, कोश्यारी जी के पास त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, धामी जी और प्लस बोगुणा जी, ये हो गई 7G। पवन जी नाराज मत होइएगा, मैं इनको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, ये हो गई इनके पास 7G, अब आपके पास कौन सी जी है, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि कल तक पवन जी कह रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर उन्होंने कहा तीरथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज वो कह रहे हैं कि धामी 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 जिंदाबाद, आप किसी का तो नाम लीजिए ना, आप तो बताइए, अब छोड़िए वो 56 घोटाले, वो छोड़िए स्कूटर के नंबर किसने कहां कर दिए, वो छोड़िए सर उस बात को, ये बताइए वो कौन से जी हैं जिसके पीछे आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, बताइए सर। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के तरह डिक्टेटरशिप नहीं है, इनके तीनों मुख्यमंत्री जो बने हैं वो केवल दिल्ली से बने हैं, दिल्ली ने थोपे हैं, और कांग्रेस में मैंने पहले भी कहा लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र प्रक्रिया के, अमरजीत जी आपका ऑडियो सुनेंगे, हाँ जी जी आ रही है नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी, अब लोकतांत्रिक पार्टी कैसे, आप एक बात बताइए, उनकी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, उनके मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होता कि कौन कब हटा दिया जाएगा, आप कैसे बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, जो आरएसएस क्या डिक्टेटरशिप है, आप आपके या कौन सा विधायकों ने चुना था विजय बागुड़ा को, मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास लिस्ट है तो दिखाइए, मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों ने विजय बागुड़ा को चुना, आपके विधायकों ने विजय बागुड़ा को चुना, तो दिखाइए मुझे लिस्ट, कितने विधायकों का समर्थन था उनके पास, कितने विधायकों ने चुना था उनको, आप बता दे सकते हैं तो मुझे बताइए, विजय पगड़ों को किसने चुना था, विधायकों ने चुना था, अगर देखिए हाईकमान तय करता है अल्टीमेट, अमरजीत जी मंडल दर्ज पर मोहर लगाता है, हाँ हाईकमान हाँ यही तो हाईकमान तय करता है उस पर मोहर लगाता है, बहुत दौर देख लिया मैंने 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 इसी उत्तराखंड में कोश्यारी जी का भी दौर देख लिया, तिवारी जी का भी देख लिया, निशंक जी, खंडूरी जी, हरीश रावत जी, विजय बोगुणा जी, सबका दौर देख लिया, इसलिए कह रहा हूं ये पर्यवेक्षक दिल्ली से जो पर्ची लेकर आते हैं मुझे सब मालूम है, अब ये छोड़िए कि आप उनको बार बार बोल रहे हैं कितने कितने मुख्यमंत्री हटाओगे, अब पवन जी को थोड़ी ना मालूम है जिनके नारे लगा रहे हैं वो कल को मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, पवन जी को क्या मालूम, जब मुख्यमंत्री को यही नहीं मालूम होता कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनको क्यों हटाया गया पद से, तो पवन जी को कैसे मालूम होगा, आप उनसे कैसे पूछ सकते हैं ये बात, पवन जी मैंने गलत तो नहीं कहा, हमारी तो चाहत है पवन चौहान जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, हमें खुशी होगी, नहीं 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 पवन चौहान जी एक सेकंड, पवन चौहान जी मैंने गलत तो नहीं कहा ना इनको, पवन चौहान जी ऑडियो चला गया सर, पवन चौहान जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, पवन चौहान जी से संपर्क टूट गया, लेकिन अमरजीत जी मुझे एक बात बताइए, आज की रैली का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो राहुल गांधी की रैली में उत्तराखंड के संदर्भ में आज क्या कुछ खास रहा, अमरजीत जी अगर राहुल गांधी आए हैं
हेलो मेरी आवाज आ रही है सर? मेरे को आपकी आवाज इको हो रही है। हेलो इको हो रही है मेरी आवाज? कोई दिक्कत नहीं अमरजीत जी, आप अपनी अपनी बात रखिए, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उत्तराखंड आए आ करके उन्होंने जो यहाँ पे हमारे मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन्होंने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल किया है कि इन मुद्दों पे आप कौन सा मुद्दा उठाया? मैं वही पूछ रहा हूं, जनता को चुनाव उत्तराखंड के संदर्भ में वो कौन सा बड़ा मुद्दा उठाया? पलायन का मुद्दा उठाया और रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया? नहीं, पलायन पलायन तो उत्तराखंड में सभी मुद्दा उठाते हैं ना। कभी मैंने कहा ना आपसे, मैंने सबके दौर देखे सर, सबने मुद्दा उठाया पलायन का। पलायन का नारा देकर सर लोग सत्ता की गोद में बैठ गए, मैंने उनको भी देखा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कौन सा नया विजन दिया? नया विजन मुझे बताइए, महंगाई की बात की हो तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरह से उत्तराखंड में विफल रही। किसान महंगाई कोई मुद्दा है क्या? महंगाई कोई मुद्दा है? पवन जी, पवन जी महंगाई जनता पार्टी के हिसाब से पवन जी से पूछ लेता हूँ, पवन जी मुद्दा है? पवन जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? ना उनको आवाज नहीं जाएगी, मैं बता दूं ना। पवन जी राहुल गांधी जी ने आकर यही संदेश दिया, जिस प्रकार से हम पेट्रोल डलाने जाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है इनके पूंजीपति मित्र हैं प्रधानमंत्री मोदी के, ये रोज हम डलाते पेट्रोल हैं और जब वो पैसा जाता है इनके पूंजीपति मित्र। पवन जी, पवन जी एक सेकंड, अमरजीत जी पहुंच गया, ऑडियो पहुंच गया। पवन जी ये बहुत, अमरजीत जी जो बात कह रहे हैं मैं गले नहीं उतर, ये कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, मुद्दा है कोई महंगाई? देखिए बताइए इनको, महंगाई को मुद्दा है? मैं दूसरी बात बताता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया आपका। नहीं, मैंने सवाल पूछा, महंगाई मुद्दा है, छोड़िए सर उसको। मैं कह रहा हूँ महंगाई कहाँ महंगाई मुद्दा है, क्यों नहीं है मुद्दा? महंगाई मुद्दा है तो अभी बताया ना वो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हमारे विश्व जी ने कि वो राजस्थान पंजाब और छत्तीसगढ़ में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल क्यों है, वो महंगाई नहीं दिख रही, वो इन्हीं की। अरे आप अमरजीत भाई जी, तुम्हें पवन जी महंगाई मुद्दा है, मुझे पता क्या लगा? अरे पवन जी आप कह रहे महंगाई मुद्दा है, तो महंगाई तो वो भी तो है। मैं बताता हूँ सर महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है, सुनिए ना सर, सुनिए 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 सुनिए, मैं बताता हूँ। आप पवन जी लड़ना नहीं है, अमरजीत जी लड़ना नहीं है, मैं बताता हूँ महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है। नहीं 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 नहीं, बौखलाता कौन है, छोड़िए उस बात को अमरजीत जी, मैं बताता हूँ महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है। पवन जी सुनिए महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए, और मेरे व्यक्तिगत और मेरे जैसे करोड़ों लोग जिनकी आस्था माँ गंगा में है वो देख रहे होंगे उन तस्वीरों को, तो कितना सुखद एहसास हो रहा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आस्था की डुबकी लगा रहे थे अमरजीत जी, आपने भी देखा होगा। और 55 कैमरे समझ रहे हैं सर आप, 55 कैमरों ने प्रधानमंत्री जी की डुबकी लगाते हुए तस्वीरों को कैद किया, 55 कैमरों ने, जो मुझे पता चला। और उनमें से मुझे अफसोस इस बात का है पवन जी, सिर्फ एक छोटा सा अफसोस है अमरजीत जी, कि काश जो महंगाई आप मुद्दा बता रहे हैं आप दोनों कि महंगाई मुद्दा है, काश उनमें से एक कैमरा लोगों के बीच भी जाता और उनसे पूछता कि महंगाई मुद्दा है या नहीं। 54 कैमरे हो जाते सर, एक कैमरा तो जाता जनता के बीच में और जनता से पूछता कि महंगाई मुद्दा है या फिर नहीं। भाव मेरा बस इतना है पवन जी, थैंक यू सो मच अमरजीत जी। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिएगा। आपने कहा महंगाई मुद्दा है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि 55 में से 54 कैमरे हो जाते, एक कैमरा जनता के बीच में जाना चाहिए, ठीक है ना सर, वो 55 कैमरों में से एक कैमरा तो चलो लखीमपुर खीरी में मंत्री जी ने हटा दिया था, उन्होंने कहा कैमरा बंद कर बे, तो बंद होने लगा, तो वो एक अलग विषय है, छोड़िए उस बात को। एक कैमरा जनता के बीच में जाना चाहिए और वो कैमरा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लेकर जाता है जनता के बीच में, मेरा गांव मेरा देश, ग्राम प्रधानों को भी हम जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच अमरजीत जी। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूछता है उत्तराखंड में आज बात राहुल की, गांधी की जो चुनावी रण में ताल ठोकते हुए दिखाई दिए, अब इसका फायदा कांग्रेस को होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।